हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अब मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ और शर्मिला मैडम का वो उठाने के लिए रेडी कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम होंगे फ्रेशन अप, और सबसे उठ के आप लोगों को करना चाहिए ब्रश, जो कि मैं कर रही हूँ हंसते हंसते, और शर्मिला मैडम को भी करवा रही हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपना मुंह धोऊंगी, अपना आपको एकदम क्लीन कर दूंगी, और उसके बाद मुंह पोछूंगी उसके बाद अपनी आईब्रो बनाऊंगी, और साथ साथ में शर्मिला मैडम भी मेरे साथ अपनी आईब्रो बनाएंगी। और मैं स्किन केयर के नाम पे करूंगी एक क्रीम, और उसके बाद मैं अपना भाषण देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। बाय। हेलो गाइस, शशि तिले, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो ये है कि हमने लाइक इट्स बीन टू वीक्स, आई थिंक मोर देन 2 वीक्स हो गया है, हमने एक डाइट शुरू किया था जो कि प्रीति ने सब्सक्रिप्शन लिया था कीटो डाइट का, बट वो प्रॉपर कीटो डाइट नहीं है, उसने हमें खुद बताया। इट्स लाइक हमने इसी मंथ सेप्टेम्बर 9 से, मंडे से, मतलब मैंने शुरू किया था, और सितंबर 10 से इन लोगों ने, ट्यूसडे से हमें हो गए हैं मोर देन टू वीक्स हो गए हैं। तो हो गए काफ़ी दिन हो गए हैं, देखा जाए तो कितना हुआ है। सो बेसिकली मुझे तो 18 डेज हो गया है डाइट करके, और इन लोग को 17 डेज हो गया है डाइट में। और जब से हमने डाइट शुरू किया है तब से हमने ना चावल खाया है, ना रोटी खाई है, मैदा का ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी जिस चीज़ों में भी कार्ब्स होते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। बस हम ले रहे हैं अभी प्रोटीन, प्रोटीन में इन द सेंस, अगर प्रोटीन में बोले तो मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हम वो नहीं खा सकते, मटर नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, मतलब जो उगी हुई चीज़ें हैं जैसे आलू वगैरह, वो सब कुछ नहीं खा सकते। और हम अभी अभी जो हम इतने टाइम से जो खा रहे हैं, जो जिस तरह से हम जिंदा है, वो है कहीं ना कहीं हम विटामिंस भी लेते हैं टाइम पे, क्योंकि जो सप्लीमेंट उन्होंने सजेस्ट किया था वो हम ले रहे हैं, तो इसलिए अभी हम काफ़ी ठीक है। तो आप लोग भी अगर कभी ऐसा करो तो प्लीज़ पहले किसी और से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, कहीं ऐसे बेहोश वोश हो गए मेरा वीडियो देख के तो आप लोग मुझे गाली दोगे, मुझे गाली मत देना। ये वीडियो बस मैं अपने अपने जर्नी के लिए बताना चाहती हूँ। एक्चुअली तब मेरा वेट था 63.70 ऐसा कुछ था, और अभी मैं हूँ 59। तो आप देख सकते हैं कि 18 डेज पे आई लॉस आई थिंक 4 kg, यस 4 kg। ये थोड़ी ज़्यादा मोटी थी, अभी 4 किलो इसका भी कम हुआ है, और जो दूसरी बहन है प्रीति का भी 4 kg पूरा कम हो गया है, और उनका तो अच्छे से इफेक्ट भी दिख रहा है। हाँ, उसका इफेक्ट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक मेरा इस वीडियो में पता नहीं नज़र आ रहा नहीं आ रहा, बट हाँ मेरा ये बीच में ये काफ़ी यूँ आ गया था, और ये पिंपल इसलिए आ रहे हैं मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम ईटिंग टू मच एग्स और मीट। तो अभी मैं थोड़ा सा उनको भी स्किप करके, तो मैं आज एक्चुअली ये दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या क्या नहीं खा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपना मतलब गुजारा कर रही हूँ। सेम टू सेम और सेम चीज़ें, हम सप्लीमेंट्स भी सेम ले रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम। सो आई एम गोना शो यू। सो फर्स्ट हम लेंगे ब्लैक कॉफ़ी, और हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 8 आवर्स के बीच में ही होता है, तो आप कभी भी उठो, अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो तो उसके बाद आपके जितने भी 8 आवर्स कंप्लीट हो गए आप उसी के बीच में खाना, आपको आप 8 आवर्स के बाद नहीं खा सकते, क्योंकि आपको एटलीस्ट आपके सोने से लाइक 2-3 घंटे पहले तो आप कुछ भी मत खाना। सो अब हम दिखाने वाले कि हम क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या नहीं बनाएंगे इस कीटो डाइट में, मतलब कीटो थोड़ा बहुत कीटो डाइट। सो मिलते हैं किचन में, बाय बाय। किचन में हूँ, पता नहीं क्यों वीडियो में घर पे कभी मेरे पास सपोर्ट, मेरे पास मुझे सपोर्ट भी नहीं करते यार। आई नो सबके घर पे ये होता ही है, एक सहारा, एक दोस्त जो कि बहुत अच्छा दोस्त है, आपको जगाए। देखो नेटफ्लिक्स देखो मैडम। सो ये हमारी है कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पे हम नहीं ले रहे हैं शुगर, कॉफ़ी हम ऐसे मतलब विदाउट शुगर ही लेते हैं, हम अब शुगर बिल्कुल भी इनटेक नहीं कर रहे हैं,
और इन केस कभी मतलब दूध वाली कॉफ़ी हो गई या मतलब किसी भी दूध वाली चीज़ में कुछ कभी थोड़ा यू नो शुगर चाहिए होता है तो हम ये स्टीविया ले लेते हैं। स्टीविया के 2 ड्रॉप बहुत काम आते हैं, बट अभी हम स्टीविया नहीं लेंगे। तो कॉफ़ी तो हम नॉर्मल बस पानी गर्म और कॉफ़ी के साथ ही पीते हैं। स्टीविया नॉर्मल भी अच्छा ही है। हाँ, स्टीविया नॉर्मल भी बहुत अच्छा है। आप ये नहीं कि सिर्फ डाइट में यूज़ कर सके, आप एवरी टाइम यूज़ कर सकते हैं। यू नो शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी। सो I will always carry this and I think मैंने ये पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि हम ये यूज़ कर रहे हैं करके और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कौन है ये little baby? तो दोस्तों ये है चंदनिया। So, she's about to make something. अब हम बनाने वाले हैं अपना लंच और मशरूम एंड कैप्सिकम। और हम सारी चीजें, हमने ऑयल भी खाना छोड़ दिया है, ऑयल वगैरह, नो ऑलिव ऑयल, नो सरसों, नथिंग, नो सनफ्लावर। हम सिर्फ यूज करते हैं घी और बटर। तो अभी मैं इसको बनाने वाली हूँ बटर में। सो हम फटाफट ये करने के बाद, हम पूरा कटिंग वटिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? सो ये है मशरूम, ये है बीन्स, कैप्सिकम, अनियन एंड गार्लिक। तो ये है सब कटा हुआ। अब मैं बताऊंगी कि क्या 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 कैसे बनाती हूँ मैं अपना लंच। एक्चुअली आई एम गोइंग टू ऐड दिस पनीर एज वेल। सो मैं बटर में यूज़ करने वाली हूँ और ये क्रीम भी। सो बनाती हूँ फटाफट। थोड़ा घी जा रहा है। इसको हम निकाल लेंगे। सो ये फ्राई पनीर, टोफू तो ये ऑलरेडी हमने निकाल दिया है फ्राई वाला। अब इन सबको क्योंकि मुझे फ्राई करना है, देन आई विल पुट इट टुगेदर। तो अभी दिखाते हो थोड़ी देर में। गार्लिक को पहले अच्छे से भून देंगे। हम डाल रहे हैं मिर्ची। देख लो बड़ी मम्मी घर पे कुछ नहीं करती और यहाँ पे ये पूरे हमने प्याज डाल दिया और शर्मिला इतने अच्छे से काम कर रही है। ये शर्मिला का आता है देखो एकदम बड़े बड़े। अब मैं थोड़ा सा इसमें मशरूम डाल दूँ कुकर पे, थोड़ा स्वाद भी। तो हमने मशरूम और शिमला मिर्च ऑलरेडी डाल दिया है, तो अब इसको थोड़ा सॉटे कर रहे हैं। सॉटे करने के बाद दिखाएंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। खा जाओ इसे। नमस्ते। सो हम लोगों ने इसमें क्रीम डाला है, क्रीम के बाद से थोड़ा स्पेशल ऐसा लग रहा है, बट जब हम निकाल देंगे तब बहुत अच्छा लगेगा खाने में, देखने में नहीं। हमने एक्चुअली ऊपर से ये थोड़ा सा डाल दिया है तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा खाना तो नहीं है बट स्टिल ठीक है, आटे वाली बढ़िया ही। तो ये एक्चुअल में गर्म पानी है क्योंकि हम लोगों को दिन में एटलीस्ट 4 लीटर्स पानी पीना ही होता है। देखो कॉफ़ी बना रही है, कोल्ड कॉफ़ी, सॉरी हॉट कॉफ़ी। ये पता नहीं गाइस, मैं ही नहीं खाती, सिर्फ ये सब खाते हैं ये लोग, जानबूझ के मेरे खाने में। ये सब लोग मोटी है। सो अब मैं बनाने वाली हूँ दूध वाली कॉफ़ी। तो अभी मैं इसको थोड़ा फेटूंगी, उसके बाद दूध वाला कॉफ़ी बनाऊंगी। सो हमने ये कैबेज को
पानी में सोख लिया है थोड़ी देर नमक में, ये कैबेज है और ये सेम कीमा जैसे आप नॉर्मली अपने घर में बनाते हैं। पहले भी तो वीडियो डाली हुई है वो लिंक, हाँ छोड़ देना। तो मतलब नॉर्मल वैसे ही बनाया, बट आज हम रैप करने वाले हैं इसमें क्योंकि हम मैदा नहीं खा रहे हैं, बट हमारे दूसरे दोस्तों के लिए हम बना रहे हैं मैदे में। सो कीमा का ये जो रेसिपी है इसका ऑलरेडी हमने पहले भी रेसिपी डाला हुआ है, तो मैं उसका लिंक भी जरूर डालूंगी। और आज हम करने वाले हैं कैबेज में रैप, और रैप को पूरा बंद करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग अनियन। सो हम आपको करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। इसको बेसिकली हमें ऐसे रैप करना है और उसके बाद तो इसको फिर बांधना है, तो हम इसको प्रॉपरली अभी दिखाएंगे क्योंकि अभी स्प्रिंग अनियन हम धो रहे हैं। सो ये है स्प्रिंग अनियन और इसको इस तरह से रैप करना है, इस तरह से। मैं दिखाती हूँ अभी एक ये लोग जब करेंगे, ऐसे रैप करना है जैसे इसने फोल्ड कर दिया एंड देन ऐसे बांधना है। मैं पकड़ूँ, बहुत मुश्किल से हो रहा है इसको नॉर्मली ऐसे ही रैप करना है, तो पूरा रैप करने के बाद दिखाती हूँ। एट द सेम टाइम हम बना रहे हैं मैदा वाला भी, मेहनत करते हुए, तो अभी इसको पूरा करने के बाद दिखाऊंगी। सो इसमें करने वाली हूँ मैं बटर यूज़, और दूसरा वाले मैं करूँगी ऑयल अभी, ठीक है। सो ऐसे बना के रखना है, ऐसे पूरा रेडी है तो वो अब रख रही है। ऑलरेडी मकटू में पानी चढ़ा दिया है, ऐसे बन गया है। बनाया है छोटा सा भुजिया, इसमें अब मैं डाल के कंप्लीट करके दिखाऊंगी। सो ये हो गया है डन, और ये एकदम सबसे छोटा सा है सारा के लिए, सारा लामा के लिए, क्योंकि मैं हम तो खा नहीं सकते। देखो कितने क्यूट है, छूने से। एनीवेज ये भी हो गया, अब जब रखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब चलाने का टाइम आ गया है, पानी भी गर्म हो गया है, चढ़ा रहा हूँ मैं। सो ये चढ़ा दिया है, दूसरी इसकी बारी। ओके सब ढक दिया है, अभी कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ना है, लाइक 25 to 30 minutes, फिर उसके बाद ही बताएंगे। ओ माय गॉड, बटर गिर रहा है यहाँ से। 25-30 minutes से ज़्यादा हो गया, तो ये तो हाँ कुछ खुल रहे हैं, तो हम ये भी निकाल रहे हैं। Wow. ये खुल गया है, ये तो ऐसे बांधा है ना रक्षाबंधन के लिए खत्म। तो अब हमने अच्छे से आपको सर्व करके अच्छे से दिखा दिया है। ये है कैबेज मोमो, ये है स्टीम मोमो मतलब मैदा मोमो जो कि हम अपने लिए नहीं खा रहे, और ये है स्पाइसी चटनी। ये रहा डिप कर, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी। डाला हुआ इसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, आप ऐसे घर में भी ट्राई कर सकते हो रैप करके इजीली, कभी मैदा की कमी हो गई हो घर में तो तब भी ट्राई कर सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई दिस, बहुत टेस्टी है, नाइस। टूट गया ये तो, खुद ने तोड़ा है अभी, कह रहे टूट हमारे सामने, सॉरी फ्लॉप हो गया, जूस निकालने वाले हैं,
सो गाइस, मैंने ऑलरेडी अपना लंच और डिनर और जो भी मैं ड्रिंक वगैरह ले रही हूँ, जैसे टी हो गया, आप इसके साथ ग्रीन टी वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी मैं आज के दिन जो भी लिया था मैंने वो सब आपको शो कर दिया है। और एट द सेम टाइम मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाए जो मैं इतने टाइम से टेक कर रही हूँ। और अभी मैं काफ़ी शायद डल लग रही होंगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना जो लास्ट मील था, इट्स बीन 5 आवर्स जो मैंने खा लिया है, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में हूँ, सो थोड़ी डल लग रही होंगी। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। ओके, बाय।